जैन दोस्तों, मैं रमेश तिवारी, आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी डायरेक्टर रीवा, आप सबको आर्मी ऑफिशियल्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी का सौभाग्य का दिन है कि जो बच्चे आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में ज्वाइन किए थे, मेरी फर्स्ट एकेडमी जब ओपन हुई थी उस समय जो हमारे स्टूडेंट्स ज्वाइन किए थे फिजिकल में और लिखित परीक्षा के लिए, तो उनमें से जो बच्चों का सिलेक्शन आर्मी में हुआ है, एसएससी जीडी में उसमें हुआ था, और साथ में जो जितने भी सिलेक्शन मतलब हो रखा है उन सिलेक्शंस का, क्या जैसे बच्चे आते हैं तो उनको आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी की जो रीति रिवाज है उस रीति रिवाज के अनुसार उनका स्वागत किया जाता है, ग्राउंड में स्वागत किया जाता है, फिर कोचिंग में स्वागत किया जाता है। तो इसके लिए आज हमारे बीच में जो है तो एक हमारे बहुत ईमानदार और होन के साथ साथ में अपनी अभी निष्ठा और कर्तव्य के साथ इन्होंने अपनी आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में रह करके फिजिकल की और लिखित परीक्षा की तैयारी किया, जो अमरकंटक भर्ती हुई थी 2019 में अमरकंटक में भर्ती हुई थी, उस जो भर्ती में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि जब मिस्टर जो सौरभ अवस्थी आए तो उनको तालियों से स्वागत हो और उनको फूल माला से। तो मैं चाहता हूं मिस्टर सौरभ अवस्थी जी आए और उनका आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में दोबारा स्वागत है फूल माला से, और उनका स्वागत है, गुड, खुश रहें। और इन्होंने आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में अपनी पढ़ाई किया, अपना फिजिकल किया, तो मैं चाहता हूं कि ये अपने से बताएं कि आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में कैसे पढ़ाई होती है और कैसे फिजिकल होता है उसके बारे में, और कैसे आर्मी में ज्वाइन मतलब होना है। अगर देश में ये जो वर्दी है ना, अब वर्दी दूर नहीं है, आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी फौजियों की फैक्ट्री होने वाली है। इतने फौजी की जो 112 बच्चे आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी से सिलेक्टेड हुए हैं, और साथ में 5-6 बच्चों की वीडियो डल चुकी है, और ऐसे जैसे उनकी ट्रेनिंग समाप्त होगी और ट्रेनिंग से घर छुट्टी आएंगे तो उनका ऐसा सम्मान किया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मिस्टर सौरभ अवस्थी जी आप बताएं कि आर्मी एंड सिविल सर्विस में आपने कैसे पढ़ाई किया, अपने मुकाम को कैसे हासिल किया। तो ये सारे बच्चे जो बैठे हुए हैं इनको मोटिवेशन मिले, इनको भी ये वर्दी पहनने का सौभाग्य मिले, तो आप चाहेंगे कि प्लीज मिस्टर सौरभ अवस्थी जी बताएँ। सबसे पहले तो मैं आर्मी एंड सिविल सर्विसेज एकेडमी और सर का सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे आप सभी के सामने खड़ा हूँ। मैं जब सबसे पहले फिजिकल और रिटन की तैयारी करना शुरू किया था उस समय सर मेरे को मिले नहीं थे, मैं अपने से ही पहले तैयारी कर रहा था, लेकिन ऐसा मेरे को लगा कि एक आदमी जब किसी के पीछे किसी का गाइडेंस होता है तो वो अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से हासिल कर सकता है अगर वो उसके मार्गदर्शन पर चले तो। तो उसके बाद सर मेरे को मिले, लेकिन जब सर मेरे को मिले तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और सर जो यहाँ से इंदौर चले गए थे बंदूक लेके अपने, तो मैं सर के साथ नहीं जा पाया। लेकिन एक ऐसा टाइम था कि भर्ती होने से 2 महीने पहले, लगभग 1.5-2 महीने पहले सर वापस आ गए थे यहाँ, तब मैं सर से मिला था। तो मैंने सर से बोला कि सर आप नहीं थे तो मेरी जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब थी, मतलब भर्ती के लिए एक जो प्रिपरेशन होती वो फिट नहीं थी मेरी, लेकिन और ये भी था कि मेरी लास्ट भर्ती भी थी मेरी, और अगर मेरे को ये भर्ती लेनी थी तो कड़ी मेहनत तो करनी जरूरी थी। तो फिर मैं सर से मिला, सर ने मेरे को अपने गाइडेंस पे मेरे को फिजिकल कराया, रिटन की भी तैयारी कराई। फिजिकल तो मतलब इतनी ख़राब कंडीशन की एक तरह से एक आदमी कह नहीं सकता कि आप आर्मी के लिए सक्सेस हो, क्योंकि एक आदमी से अगर 1600 मीटर रनिंग होती है आर्मी में और किसी की 6.5-7 मिनट ऊपर जाती तो किसी के लायक नहीं है फिर। तो फिर सर की गाइडेंस में मेरी रेस लगभग 5 मिनट के अंदर आई थी, तब मैं जाके अमरकंटक भर्ती में रनिंग पास हुआ था। और सर भी जिस दिन हमारी अमरकंटक में भर्ती थी, सर खुद हमसे मिलने वहाँ पे अमरकंटक आए हुए थे, और अमरकंटक में इतनी ठंड भी उस समय पड़ रही थी तब भी सर हमसे मिलने आए। हमारा जिस दिन फिजिकल था उस दिन भी हमारे साथ ही थे, जिस दिन हमारा मेडिकल था उस दिन भी हमारे साथ में थे।
हालांकि मेडिकल मेरा क्लियर नहीं हो पाता, रीमेडिकल दे दिया था, लेकिन सर ने मेरे को बताया कि रीमेडिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। कान के लिए मेरे को रीमेडिकल मिला था। उसके बाद जब हम जबलपुर गए थे रीमेडिकल कराने के लिए, उस समय हम दो चार बंदे ही थे, लेकिन सर तब भी हमारे साथ वहाँ पे गए थे। मतलब अगर एक से कहा जा सके तो सर साक्षात एक भगवान का रूप होके हमारे साथ, हमारे फिजिकल में भी हमारे साथ रहे, मेडिकल में भी हमारे साथ ही गए। और रिटर्न की तैयारी करने के लिए सर ने हमको, यहाँ तो सर की कोचिंग अभी स्टार्ट हुई है, लेकिन सर के साथ हम शुरू से ही गाइडेंस में थे। सर ने हमको यहाँ से 6-7 बंदे थे हम, जिनको हम लोगों को सर ने इंदौर भेजा था पढ़ाई करने के लिए, सर ने अपने ही वहाँ पर भेजा था। लेकिन उसके बाद हम जैसे 10 दिन कोचिंग किए थे, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था इंदौर में, और इंदौर में इतना लॉकडाउन था कि रेड अलर्ट होने के कारण हम आ भी नहीं पाए थे इधर। लेकिन फिर भी सर हमको यहाँ से ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी सर से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हुआ, वहाँ सर ने हमको मेहनत कराई। हम जैसे अगर देर रात में भी अगर सर का PDF आता था, तब भी हम उसको पढ़ते थे। मतलब डेली का ये था कि जो भी PDF हमें डेली मिलेगा, वो हमारा टास्क था कि हमको इसको कंप्लीट करना ही है। और सर हमसे यहाँ से हमारे टेस्ट लिया करते थे, कॉल करके, वीडियो कॉल तक में बात करके सर हमसे यहाँ से क्वेश्चन को पूछा करते थे। लेकिन ये भी था कि वो भी हमको अच्छा लगता था कि एक सर ही हैं जो हमसे हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं। कोई आज के बारे में आपको बताता हूँ, कोई भी किसी के बारे में नहीं सोचता है। आजकल आप लोगों को ऐसे आदमी मिलेंगे जो आप लोगों को ये तक कहते होंगे कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब करा देंगे, ऐसा बोलते होंगे आप लोग यहाँ बैठे हो, सबको पता होगा। अगर आपका फिजिकल निकल भी जाता है बाई चांस, तो भी आप लोगों से कहेंगे आपको तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम घर घर जाके ऐसा बोलते हैं आप लोगों को कि हम पेपर निकलवा देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है कुछ। आप लोग को ये बोलेंगे वो, आपने इतनी मेहनत करके आप फिजिकल अपना निकालोगे, क्लियर करोगे, और अंतिम में जाके उनके चक्कर पड़ जाओगे। आजकल इतने दलाल हैं, उनके चक्कर में आप पड़ जाओगे, आप रिटर्न की तैयारी नहीं करोगे, क्योंकि आपको तो ऐसा मतलब बहला देंगे कि मतलब हम वही फिर आपके लिए सब कुछ हो जाएंगे। क्यों नहीं कि बात माननी है, बस वो हमारे रिटर्न निकलवा देंगे, फिर आप जिस दिन एग्ज़ाम पे बैठोगे ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पहले की आर्मी में और आज की आर्मी में धरती आसमान का अंतर हो गया है। तो आप क्या करोगे, आप तैयारी करके नहीं जाओगे, वहाँ आपका कोई काम होगा नहीं। फिर ऐसा भी होगा पेपर इजी से भी इजी आएगा, इसका इजी से इजी आता है। आप अच्छी पढ़ाई करो, पेपर आपको लगेगा नहीं कि आप पेपर देने सॉल्व करने बैठे हो। मैं पेपर देने बैठा था, मेरा 18 मिनट सारे पेपर हो गए थे, पूरा 50 क्वेश्चन थे, 50 के 50 क्वेश्चन सही थे, 18 मिनट के अंदर पेपर करके मैं बैठ गया था। क्यों? क्योंकि मेरे पास भी आए थे, मैं स्टेडियम में था उस समय, सर कहीं गए हुए थे, मैं स्टेडियम जाता था। जैसे हमारे फिजिकल निकल गया और रिटर्न हो गया कोरोना का, एक साल बाद हमारा पेपर हुआ था, उस भी जैसे हम स्टेडियम जाया करते थे। हमारे पास भी बहुत आए कि तुम्हारा फिजिकल निकल गया है, एक रिटर्न की टेंशन मत लो, हम करवा देंगे, ठीक है। घर भी आते थे, लेकिन सर ने मेरे को बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। सर ने बहुत अच्छे से समझाया, बैठा के समझाया, एक घंटे दो घंटे सर हमारे साथ में ही थे कि इनके चक्कर मत पड़ना, मैं रहूं या ना रहूं, इनके चक्कर नहीं पड़ना है तुमको। तो फिर सर के गाइडेंस में उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं रखा, सर ने हमें जो नोट्स प्रोवाइड कराए उसे से हमने तैयारी की, और बस इसी के लिए आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। क्योंकि मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ा, क्योंकि सर का हमारे ऊपर इतना बड़ा हाथ रहा है कि मैं उसका किस तरह शुक्रिया अदा करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ क्या। और लास्ट में मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो फिजिकल की तैयारी और रिटर्न की तैयारी सर आपको ऐसी करा देंगे कि आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। और फिजिकल रिटर्न भी आप लोगों को लगता होगा कि आर्मी का फिजिकल बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं, आपको मेहनत आपके हाथ में है, बाकी जो कुछ भी बचेगा सर हैं आपके साथ, आपको मेहनत कराएंगे। रिटर्न में भी कुछ नहीं है, नॉर्मल यही जो सर अभी पढ़ा रहे थे यही बस आता है, नॉर्मल थोड़ी बहुत आएगी हिस्ट्री वगैरह, जैसे डरना नहीं है। बस हम भी ऐसे ही थे, पर सर ने हमें ऐसा गाइडेंस दिया कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जैसे उसके बाद सर हमारे घर भी आया करते थे, और जिस दिन हमारा पेपर हुआ उसके जस्ट जैसे एक दिन पहले हमको जाना था, जबलपुर में हमारा पेपर हुआ था तो वहाँ हमको जाना था, सर उससे पहले भी हमको बताए थे कि विदाउट टेंशन फ्री होके जाना पेपर देने, एकदम रिलैक्स माइंड में पेपर देना, कुछ भी नहीं है। जब हमारा पेपर खत्म हुआ तब हमने सर से बात की, अपने जो हमें नंबर मिले थे अपने हिसाब से नंबर जोड़ लिए, जैसे हमने क्वेश्चन किए तो हमें तो पता है कि हमने सही किया है गलत किया है, जैसे जो हमें पढ़े हैं वही हमारे पास जो आंसर आया हुआ है उससे हमें पता चल गया। तो हमने सर को बताया कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हैं। फिर जब मैं यहाँ वापस रीवा लौट के आया हूँ तब फिर सर ये कोचिंग को ओपन कर रहे थे। मैं यहाँ जिस दिन ओपनिंग थी उस दिन भी यहीं पे था मैं, और सर के पास मैं आया था। सर ने मेरे को बोला था कि अगर ऐसी बात है तो मैं एक कोरे कागज़ में लिख के सर मेरे को दे रहे थे कि तुम्हारा नाम नंबर में लिख के दे रहा हूँ, अपना नाम लिख के दे रहा हूँ, अगर तुम्हारा रैंक नहीं आएगा मेरिट में नाम तो मेरे को बताना, जो तुम बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ।
मैं बोला नहीं, मेरे को आपके ऊपर भरोसा है। और जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था उस दिन रितेश भी बैठा है, सर भी बैठे हैं, सर ने मेरे को ही बताया था फ़ोन करके कि तुम्हारा रोल नंबर मेरिट में आ चुका है। तब मैं घर से सर की कोचिंग में सीधा आया था वहाँ से। तो यही मैं कहना चाहूँगा। तो इनका जैसे कि अवस्थी जी ने मतलब बताया अपनी आप बीती कहानी, तो मैं आर्मी एंड सिविल सर्विस के एकेडमी के बच्चे और बच्चियां जो मैं एसएससी जीडी की तैयारी करवा रहा हूं और एमपी पुलिस की तैयारी करा रहा हूं, आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, ये हमारा मेन स्पेशलाइजेशंस है। तो मैं आपको सबको ये चाहता हूं कि आप लोग भी अच्छे से अपनी तैयारी करें, किसी के चक्कर में ना पड़ें, डेली अब आप लोग पढ़ाई करें अपनी, अच्छे से फिजिकल करें। अब ये वर्दी दूर नहीं है, ये वर्दी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, बहुत सारी भर्तियाँ आ चुकी हैं और उसके लिए तैयारी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है और आर्मी का भर्ती आने वाली है। जस्ट मैं एक दो दिन में क्लियर करके आपको बता दूंगा। और साथ में एमपी पुलिस का 8 जनवरी से पेपर होना निश्चित हो गया है। तो जो एमपी पुलिस के लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल सीरियस हो जाएं, तभी जाके एग्ज़ाम निकलेगा। क्योंकि 12 लाख में फॉर्म भरे हैं तो उनमें 4000 के नीचे आपको रैंक लानी पड़ेगी, 4000 में आपका नाम आना चाहिए। तो जब अच्छे से पढ़ोगे तब आपका हो पाएगा, और मेहनत नहीं करोगे तो फिर एक दो नंबर से चूक जाओगे, फिर किस्मत को का दोष दोगे। तो किस्मत किसी का कुछ नहीं होता है, मेन होती है मेहनत। इस बंदे ने ईमानदारी के साथ मेहनत किया, अच्छे उसमें लगन के साथ मेहनत किया, तो आज ये वर्दी इनको मिल गई। और आज देश की मतलब कि रक्षा करने के लिए, भारत माता की रक्षा करने के लिए ये इनको अवसर मिला है। तो मैं इनसे यही कामना करता हूँ कि जहाँ भी इनकी ड्यूटी लगे, जिन सरहद में लगे, पीस एरिया में लगे, अपने 100% ईमानदारी और निष्ठा के साथ देश की रक्षा करें और अपनी भारत माता की जो कि जितनी हो सके तो सेवा करें। और जितना जो भी जो गरीब, जो भी असहाय लोग हैं, जो परेशान व्यक्ति हैं, अगर इनको कोई रास्ते में मिलते हैं तो वो लोग इन ये उनकी हेल्प करने की कोशिश करें। ये ज़रूरी नहीं है कि पैसे से हेल्प कर दो, कोई लेटा हुआ है उसको बैठा दो, उसको थोड़ा सा गाइडलाइन दे दो, कोई परेशान है तो अच्छा अच्छे शब्द बोल दो, तो वही है आपकी देश सेवा। ओके, तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों से कामना करता हूँ कि आप लोग जितने हमारे कोचिंग में बच्चे बैठे हो, जो सुन रहे हो, जो बच्चे आज नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश से, जो हमारे यूट्यूब चैनल को सुन रहा है, वो बच्चे भी अपना एक्साइटेड होकर तैयारी करें। ओके, अभी इसी साथ में एक बार बोलेंगे भारत माता की जय, नहीं मैं बोलूँगा भारत माता के, इंडियन आर्मी के, इंडियन आर्मी के, इंडियन आर्मी के, इंडियन आर्मी के।